हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसमिशन लाइन के बारे में पूरा जानकारी ले ली थी। अब आज के लेक्चर में हम लोग ट्रांसमिशन लाइन जिसके ऊपर यानी जिस सपोर्ट के ऊपर वो जाती है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, यानी कि हम लोग आज टावर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग उसकी मैकेनिकल डिजाइन से। ट्रांसमिशन लाइन की मैकेनिकल डिजाइन किस तरीके से की जाती है, तो सबसे पहला पॉइंट है उसमें सपोर्ट ऑफ द ओवरहेड लाइन। तो ओवरहेड लाइट ट्रांसमिशन सिस्टम में कंडक्टर आपके ग्राउंड लेवल से ऊपर, ठीक है, आपके प्लेस किए जाते हैं एक दूसरे से दूर थोड़े, ठीक है। मैं आपको आगे फिगर बताऊंगा कि किस तरीके से की जाती है, और उसके लिए हम लोग लाइट सपोर्ट का यूज करते हैं, और एक इंसुलेटर का यूज होता है 40 क्रॉस आर्म फिटेड टू द पोल्स और स्टील टावर्स, ठीक है। जो आपके लाइव वायर्स होते हैं वो आपके इंसुलेटर के साथ टाइड होते हैं, और जो लाइन सपोर्ट होता है वो आपके वुड से, आरसीसी से या फिर स्टील से बने हुए होते हैं। आपने ये तो देखा ही होगा, फिजिकली आपको ये देखने को मिल सकता है कि जो आपके पोल्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, वो आपके वुड के यानी लकड़ी के बने हो सकते हैं, आरसीसी के बने हो सकते हैं या फिर स्टील के बने हो सकते हैं। वुड के बनना तो अभी बंद हो गए हैं, लेकिन आरसीसी और स्टील के अभी भी बनते हैं। तो आरसीसी का हमारे डोमेस्टिक में बहुत ही यूज होता है, और जो आपके स्टील टावर्स है, स्टील टावर्स होते हैं वो बड़ी बड़ी हैवी केवी की लाइंस जो होती है उसको ले जाने के लिए यूज होता है। तो उसके बारे में हम लोग आज इंफॉर्मेशन देखेंगे, उसके कंस्ट्रक्शन, उसके डिफरेंट टाइप्स किस तरीके से होते हैं, उसके एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस भी आज हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले पोल्स के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला पोल्स है हमारा वुडन पोल। वुडन पोल यूजली हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज होता है, इन प्लेस ऑफ जहाँ पे वुड आपका इजीली अवेलेबल होता है, यानी फॉरेस्ट के नजदीक जहाँ पे आपका इजीली लकड़ी अवेलेबल होती है, वहां पे आप लोग वुडन पोल्स का यूज करते हैं, ठीक है। बिटुमिन की कोटिंग उसमें करी होती है, अप्लाइड एट द बॉटम फॉर 0.5 मीटर टू गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉइस्चर एंड टर्माइट्स, ठीक है। यानी 0.5 मीटर के ऊपर अगर आपका वुडन पोल है तो 0.5 मीटर के ऊपर नीचे जमीन से आपको बिटुमिन की कोटिंग करनी पड़ती है। किस चीज के लिए? टू गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉइस्चर एंड टर्माइट, ठीक है, दीमक से और आपकी जो नमी है उससे बचने के लिए 0.5 मीटर के ऊपर आपको बिटुमिन की कोटिंग करनी पड़ती है। अब तीन टाइप के वुडन पोल स्ट्रक्चर है हमारे पास। सबसे पहला है हमारा सिंगल पोल स्ट्रक्चर। देखो, सिंगल पोल स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा एक सिंगल पोल स्ट्रक्चर, ये वाला, ठीक है। तो सिंगल पोल स्ट्रक्चर हमारा यूज होता है फॉर दी लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए। तो ये सिंगल पोल स्ट्रक्चर हमारा 11 kV तक के लिए हम लोग यूज उसे कर सकते हैं। और मैक्सिमम स्पान कितना हो सकता है, उसके लेंथ कितनी हो सकती है? मैक्सिमम लेंथ आपकी 50 मीटर हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये जो आपके क्रॉस आर्म है, ये वाले क्रॉस आर्म आपके स्टील के बने हुए होते हैं, जो आपके वुडन पे आपको लगाना पड़ता है, और इसपे ही आपके इंसुलेटर फिट होते हैं और आपका वायर का एक जगह से दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। दूसरा है हमारा ए टाइप, या फिर आप उसे कह सकते हैं कि एच टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपका ए टाइप का स्ट्रक्चर है, ये देखिए, यहाँ पे आपका कुछ ए बन रहा है, ये देखिए, ये आपका ए बन रहा है ना, तो ये आपका ए टाइप का स्ट्रक्चर है और ये आपका एच टाइप का स्ट्रक्चर है, ओके। तो ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ के लिए ये टाइप के स्ट्रक्चर आपके यूज होते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है वो उसमें आपका स्पान लेंथ कितनी हो सकती है? बिटवीन दी 60 मीटर्स टू 75 मीटर्स, ओके। स्पान लेंथ का मतलब क्या है? जमीन से लेके यहाँ कंडक्टर की ऊंचाई, ठीक है, जहां पे आपका कंडक्टर होता है वहां तक की ऊंचाई, उसे हम लोग स्पान कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये भी आपके जो आप ए टाइप या फिर एच टाइप जो स्ट्रक्चर है वो भी आपका 11 kV और उससे ज्यादा तक के जो वोल्टेज है, उसके जो लाइंस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज होती है। सारी फिगर आपको यहाँ पे बताई गई है, ये देखिए फाउंडेशन किस तरीके से। इसके कुछ डिसएडवांटेज और लिमिटेशन भी है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। डिसएडवांटेज और लिमिटेशन क्या है वुडन पोल्स की?
वुडन पोल्स की पहली डिसएडवांटेज यह है कि उसकी लाइफ 20 से 25 साल तक ही है, और इसके अलावा इसमें आपका टर्माइट और मॉइस्चर का भी खतरा रहता है, ठीक है, और इट रिक्वायर्स द फ्रिक्वेंट मेंटेनेंस, इसको फ्रिक्वेंटली मेंटेनेंस भी जरूरत होती है। इसके अलावा मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होती है उसकी लेस होती है, कम होती है, ठीक है, और अबाउट दी 20 kV ये यूज नहीं हो सकता, इसीलिए ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ही देखने को मिलेगा, ये है आपका ट्रांसमिशन सिस्टम में यूज नहीं होता है। ओके, दूसरा है हमारा स्टील पोल्स। स्टील पोल्स जो होते हैं वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स और स्ट्रीट लाइट के लिए सिटी के अंदर यूज होता है, और उसकी जो लाइफ होती है वो वुडन पोल से अच्छी होती है और दिखने में भी अच्छा लगता है, ठीक है, और स्टील पोल्स की मेंटेनेंस जो होता है वो हमारा रिड्यूस होता है, यानी कम होता है। यहाँ पे हमें टर्माइट यानी जो उदई होती है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि ये आपका स्टील पोल है, और मॉइस्चर की प्रॉब्लम होती है, लेकिन सिर्फ इसमें मॉइस्चर से बचने के लिए आप इसे पेंट या फिर गैल्वेनाइज करते हैं टू प्रिवेंट दी रस्टिंग, और जो इसकी बेस प्लेट होती है वो हमारी इरेक्ट की जाती है जमीन में, ग्राउंड में, और जो पोल की लेंथ होती है ये आपको ध्यान रखनी है, पोल की लेंथ होती है आपकी 7 से 10 मीटर, और एक एक छठ 1/6 भाग उसका ग्राउंड के अंदर आपका होता है, और उसे कंक्रीट से कंक्रीट उसके अंदर भर दिया जाता है, और इस तरीके से हम उसे डिग करके अंदर उसे लगाते हैं, ठीक है। जो आपकी कंक्रीट की मफिंग होती है वो कॉन्क्रीट की मफिंग आपकी कब तक लगाई जाती है, पोल के 0.4 मीटर लेंथ तक आपको प्रिवेंट करने के लिए लगाई जाती है, अबव द ग्राउंड टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ वाटर इन द फाउंडेशन, ठीक है, फाउंडेशन के अंदर पानी को रोकने के लिए जमीन के ऊपर 0.4 मीटर तक आपका कॉन्क्रीट का फाउंडेशन होना चाहिए। और ये पोल्स आपके कब तक कितने वोल्टेज के तक यूज हो सकते हैं, 33 kV तक यूज हो सकते हैं। दो टाइप के होते हैं हमारे, एक होता है आपका रेल पोल और एक होता है आपका ट्यूबुलर पोल, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारी रेलवे लाइन्स, रेलवे ट्रैक्स जो होती थी उसको हम लोग एज ए स्टील पोल हम लोग यूज करते थे, और उसका आई सेक्शन हमारा यूज होता है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाया है, ये इसका फाउंडेशन है, ठीक है, ये पूरा इसका फाउंडेशन है, ओके, और यहाँ पे इसकी बेस प्लेट है जिसको जमीन के अंदर दफनाया गया है, और यहाँ पे आपको आरसीसी की मफिंग करी गई है, आरसीसी की मफिंग आपकी 0.4 मीटर तक करी जाती है, ओके, और ये आपका पोल है, और ये इसके क्रॉस आर्म्स है, और जिसको हमने क्लैंपिंग करके लगाया हुआ, ओके, तो ये आपके ट्यूबुलर स्टील पोल है जो आपके यूज होते हैं। सॉरी, ट्यूबुलर पोल जो होते हैं वो हॉलो हॉलो राउंड स्टील पाइप्स के बने होते हैं, और उसका डायमीटर जो होता है वो आपका 3 to 4 step ओवर दी लेंथ होता है, मतलब नीचे मोटा होता है और ऊपर जाते जाते पतला होता जाता है, ओके, और इसका जो ब्रॉड पोर्शन है, लोअर पोर्शन होता है वो ब्रॉड होता है, और ऊपर का पोर्शन होता है वो आपका नैरो होता है। फिगर में आपको ऊपर बताया है मैंने कि किस तरीके से पोल्स आपका यूज होता है, और स्टील पोल होता है आपका वो आपकी स्ट्रीट लाइटिंग के लिए यूज होता है, मतलब स्ट्रीट में जो आपकी लाइटिंग होती है उसके लिए आपका स्टील पोल यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा आरसीसी पोल, ये तो मेनली आपको हर जगह देखने को मिलता है, ये वुडन पोल्स की कमी या फिर कह सकते हैं उसकी अनअवेलेबिलिटी और स्टील पोल्स की इंक्रीजिंग कॉस्ट के कारण हम लोग क्या करते हैं, आरसीसी पोल का यूज करते हैं। ये आरसीसी पोल आपका इसीलिए पॉपुलर हो गया है, ठीक है, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी उसकी ज्यादा है, और ज्यादा स्पान लेंथ के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं, और इसमें इतना ज्यादा मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं होती कि जैसे वुडन पोल और स्टील पोल में होता है। स्टील पोल में आपको उसका कलर करना पड़ता है, उसकी रस्टिंग करनी पड़ती है, रस्टिंग से बचाने के लिए उसको कलर करना पड़ता है, उसको गैल्वेनाइजेशन करना पड़ता है, ये सब उसमें करना पड़ता है, लेकिन स्टील पोल में ऐसा नहीं होता है। आरसीसी पोल जो होते हैं वो हमारे लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए यूज होता है, ठीक है, और मेनली डिफिकल्ट क्या है आरसीसी पोल के साथ कि वो उसका वेट बढ़ जाता है, क्योंकि आरसीसी है, आरसीसी के कारण उसका वेट बढ़ जाता है, और उसका कॉस्ट जो आपका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो भी आपका बढ़ जाता है। इसमें मेनली हमारे एच टाइप के स्ट्रक्चर यूज होते हैं आरसीसी पोल में, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वो एच टाइप के स्ट्रक्चर में आपको लगाया जाता है। आपने अपने सोसाइटी के बाहर किसी भी
जंक्शन पे देखिए, किसी भी डीपी पे देखिए, आप जिसे आप डीपी कहते हैं, डीपी पे देखिएगा आपका एस टाइप का स्ट्रक्चर, दो खंभे लगे होंगे आरसीसी के, उसके बीच में आपकी स्टील की प्लेट लगाई होगी और उसके बीच में आपका ट्रांसफार्मर लगाया होगा। तो ये एस टाइप का स्ट्रक्चर यूज होता है बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर प्लेसिंग। ओके, तो ये फिगर में आपको पूरा उसकी आरसीसी का बताया गया है कि आरसीसी के पोल्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा लेटेस्ट स्टील टावर। ये अब टावर आ गए, अब हाई वोल्टेज की बात होगी, यानी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज से हम लोग आ गए ट्रांसमिशन पे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग आ गए ट्रांसमिशन पे। तो हाई वोल्टेज के ट्रांसमिशन के लिए और स्पान को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेटा स्टील स्ट्रक्चर यूज करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर यूज होते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ 66 kV और मोर वोल्टेज। ठीक है, 66 kV और मोर वोल्टेज, और ये स्ट्रक्चर हमारे असेंबल किए जाते हैं साइट पे बाय द बोल्टिंग वेरियस पार्ट, या फिर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपके दो या तीन सेक्शन में वहां पे जाता है और उसे वहां साइट पे ही असेंबल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्क्रू। ओके, और अर्थ वायर जो होता है उसको हम ओवरहेड टावर रन करवाते हैं। क्यों रन करवाते हैं अर्थ वायर को? फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लाइटनिंग स्टॉर्म। ठीक है, पोल हमारे जो होते हैं उसको भी अर्थ किया जाता है एट ए सर्टेन रेगुलर इंटरवल, और रस्टिंग से बचाने के लिए टावर को पेंट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको फिगर में पूरा टावर आपको बताया गया। देखिए मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके बता रहा हूँ, ये आपका कुछ टावर टावर है तो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, ये आपका नैरो बेस बेटा स्टील है। ठीक है, इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो हाई होती है, स्टील टावर की मैकेनिकल जो स्ट्रेंथ होती है वो हाई होती है, और ये विंड और साइक्लोन जैसी स्थिति में भी आपका उसको विथस्टैंड करने के लिए इसे ऐसे तरीके से डिजाइन किया जाता है। अब इसमें दो टाइप के हमारे पास स्टील स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है हमारा नैरो बेस लेटाइट स्टील मस्ट और दूसरा होता है हमारा ब्रॉड बेस लेटाइट स्टील टावर। नैरो बेस जो आपका होता है उसमें आपका जो बेस होता है वो आपका नैरो होता है। देखिए इसमें आपको ऊपर बताया है जो इसका बेस है वो उसका नैरो है, और नॉर्मली नॉर्मली नैरो बेस का जो तो स्टील टावर होता है वो क्यों यूज होता है, वो आपका 132 kV और उससे कम की जो वोल्टेज की लाइन है उसको ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। ठीक है, और जो ब्रॉड बेस टावर होता है उसका जो बेस होता है वो चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है, और उसके फोर फुटिंग की जाती है। उसके फोर फुटिंग यानी उसको कंक्रीट से उसके चार पैर को उसके लगाया जाता है, और वो 220 kV या उससे ज्यादा के वोल्टेज को ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है, ओके? ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए ये आपके कुछ ब्रॉड बेस स्टील टावर की फिगर बताई गई है, कुछ इस तरीके से उसकी ब्रॉड बेस होती है। ये आपको दो टावर दो पैर दिख रहे होंगे यहाँ पे, एक आपका ये रहा पैर, ठीक है, एक आपका ये पैर और एक आपका ये वाला पैर, इसके पीछे ही एक दूसरा पैर होता है और इसके पीछे भी एक दूसरा पैर होता है। इस तरीके से चार पैर का इसके जो स्ट्रक्चर है उसको कॉन्क्रीट से जमीन पे लगाया जाता है। ठीक है, और लाइन कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ इंसुलेटर, ये आपके इंसुलेटर है, इस इंसुलेटर का यूज करके लाइन कंडक्टर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जाता है, और टावर के सबसे ऊपर अर्थ वायर हमारा यूज होता है। देखिए ये आपका अर्थ वायर है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टावर फॉर डिफरेंट वोल्टेज लेवल। तो यहाँ पे उस हाइट और वेट, किसी टावर की हाइट और वेट को इंक्रीज किया जाता है विद द वोल्टेज, जैसा आपको यहाँ पे फिगर में बताया है कि सिंगल सर्किट और डबल सर्किट आउटलाइन दी गई है आपको 400 kV टावर करके, 400 kV के टावर की। ओके, तो फिगर और ए और बी यहाँ पे आपको बताया है वो आपके सिंगल सर्किट और डबल सर्किट की अरेंजमेंट ऑफ 132 kV टावर को बताता है। देखिए मैं आपको मिनिमाइज मिनी करके बता रहा हूँ, ये देखिए ये आपका 400 kV तक का टावर है। ठीक है, तो उसमें देखिए ये देखिए ये दो है, ये एक है और ये एक है। ठीक है,
और ये जो दिया गया है इसके गैप दिए गए हैं कि कितना दूर होता है जो आपका मीटर में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो 4400 लिखा है आपका सेंटीमीटर में है, ओके, और इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 4.4 मीटर आएगा। ये है हमारा 8.85 मीटर, ये हमारा 7.6 मीटर, ये भी हमारा 7.6 मीटर दूर है, और इन दोनों की ऊंचाई भी आपको दे रखी है। ठीक है, ये आपकी डबल सर्किट टावर है, ये आपकी डबल सर्किट टावर है। ठीक है, इसमें दोनों दोनों बाजू आपके दोनों बाजू आपके कंडक्टर जा रहे होते हैं। ओके, ये देखिए ये 132 kV तक का टावर है, इसमें आपका सिंगल अगर होता है तो कुछ इस तरीके से जा रहा है, और डबल साइड होता है तो आपका कुछ इस तरीके से जा रहा होता है। ठीक है, अब ऊपर जो हमारे ऊपर सबसे ऊपर जो अर्थ वायर किया जाता है, वो अर्थ वायर क्या होता है? अर्थ वायर आपका लाइटनिंग से प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, और उसकी हाइट और लोकेशन अर्थ वायर की, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको ओवरहेड जो अर्थ वायर होते हैं उसको हम लोग ग्राउंड के साथ हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, और अप्रोक्सीमेटली 20 से 30 डिग्री वर्टिकल रखते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा एंगल है 20 से 30 डिग्री, यही हमारा शील्ड एंगल है। ठीक है, और सिग्नल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन जो टायर टावर की होती है उसमें अर्थ वायर हमारा यूज होता है, मे बी वन एक यूज होता है, लेकिन डबल डबल सर्किट जो टावर होता है उसमें भी आपका एक से ज्यादा अर्थ वायर यूज हो सकता है। ठीक है, स्टैंडर्ड इसमें क्या होता है, अर्थ वायर के लिए हम लोग स्टैंडर्ड गैलियम स्टील का यूज करते हैं, और इसमें 3 क्वांटिटी के साथ इसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। देखिए यहाँ पे आपको पूरा मैकेनिकल डेटा दिया गया है गैल्वेनाइज अर्थ वायर का। देखिए इसकी पूरी साइज दी गई है, कितने नंबर ऑफ वायर्स इसमें यूज हो सकते हैं, इसका कंपोजिट वेट दिया गया है, और इसकी मिनिमम ब्रेकिंग लोड कैपेसिटी आपको दी गई है। ओके, तो हमारा ये जो मैकेनिकल डिजाइन है, जो भी लाइट का मैकेनिकल डिजाइन है, वो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जब मिलेंगे तब हम लोग इसका टावर फुटिंग रेजिस्टेंस हम लोग कवर अप करेंगे। ओके, टिल देन जय हिंद।